हेलो स्टूडेंट, मैं पिछले क्लास में चैप्टर 3 इंटीजर्स पढ़ा था, ठीक है। आज इसके एक्सरसाइज ए कर किया जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड हमने उस पिछले वीडियो में दिखाया था। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कैसे होता है। तो क्वेश्चन थर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या प्लस में दिखाएंगे और क्या माइनस में दिखाएंगे, यानी कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू निगेटिव होगी। तो इसके लिए आपको ये याद रखना चाहिए कि हमें क्या चीज़ पॉजिटिव इन देखना है और क्या चीज़ निगेटिव इन देखना है, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं और ये अबव वर्ड आ जाता है, अबव, 3 मीटर अबव, तो ये अबव जो आता है वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अबव, अबव का अपोजिट क्या होता है? अबव का अपोजिट होता है बिलो, और जब इसका बिलो होगा तो ये आएगा आपका निगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं इंक्रीज जहाँ होता है तो वो आपका पॉजिटिव, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ठीक है। और जब डिक्रीज होता है तो वो आपका निगेटिव होता है। इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज, तो पॉजिटिव का अपोजिट निगेटिव, ठीक है। गेन, जब गेन होता है तो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक। अब जब लॉस होता है तो वो निगेटिव होता है। डिपॉजिट आपका पॉजिटिव होता है, विड्रॉल आपका निगेटिव होता है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये एक्सरसाइज में जो भी होगा आपका, आप सही से ही कर लेंगे। अब एक्सरसाइज ए में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पेज नंबर 30। सब लोग अपनी बुक ओपन करें और क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक्सरसाइज ए, इसमें लिखा हुआ है इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। अब इसमें आपका है 26 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो। अब ये अबव आ गया, यानी 0 से अबव, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? प्लस 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर ये हमको ये चीज़ आप एक पेज पे आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये तो बहुत इजी चीज़ है, याद हो जाती है फ़ौरन, लेकिन आप अपने कॉपी में एक जगह ये लिख दीजिएगा कि कहाँ पर आपका पॉजिटिव लगाना है और कहाँ निगेटिव लगाना है। तो क्वेश्चन थर्ड है आपका, इसको हम इरेज करते रहे, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन आप खुद उतार लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं उतारूंगी, मैं सिर्फ सॉल्यूशन इसका लिखूंगी, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन उतारने के बाद ये वर्क करिएगा। 26 डिग्री अबव ज़ीरो, तो आप क्या लिखेंगे? 26 डिग्री सेंटीग्रेड अबव ज़ीरो, ठीक है। ये क्या आपका होगा? ये आपका होगा प्लस 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको इतना करके ऐसे लिखना है, ठीक है। इसी तरह आपका भी रहेगा, सी डी, इस तरह से आपको करना है पूरा एल तक, ठीक है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, कॉपी आपकी सबमिट होगी, उसको चेक किया जाएगा। सभी का वर्क कंप्लीट होना चाहिए। सारे क्वेश्चन हम करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो है ये सब आप अपने आप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट कर लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है विच इज़ लार्जर, विच इज़ लार्जर, यानी कि कौन सा बड़ा है। तो ये आपका, पहले तो हमने आपको बताया पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स को पहचानने के लिए हमें क्या याद रखना है, और अब आपको लार्जर इज स्मॉलर पहचानने के लिए आपको याद रखना है कि ये नंबर लाइन, नंबर लाइन आपकी इंटीजर्स वाली कैसे बनती है, ठीक है। ये हम बहुत बड़ी सी नंबर लाइन बना देते हैं। ये आपका एरो मीन्स की आपका शुरुआत का भी कोई डिजिट पता नहीं हमें कि क्या है, अनलिमिटेड है, और ये भी अनलिमिटेड है,
ठीक है, हम कहीं से भी शुरू करें तो ज़ीरो हम कहीं भी लिखते हैं। अब ज़ीरो के बाद वन टू, जब हम राइट साइड में जाते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, यानी कि वन से बड़ा ये टू है, टू से बड़ा थ्री है, थ्री से बड़ा फोर है, फोर से बड़ा फाइव है, ठीक है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है, ये नाइन है, ये टेन है, ठीक है, इसी तरह से आपका इंक्रीज होता जाएगा जब हम राइट साइड में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और फिर इस तरह से लेफ़्ट साइड में बढ़ेंगे तो ये हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, ज़ीरो से छोटा माइनस वन, माइनस वन से भी छोटा है माइनस टू, माइनस टू से भी छोटा है माइनस थ्री, माइनस थ्री से भी छोटा है माइनस फोर, माइनस फोर से भी छोटा है माइनस फाइव, ऐसे ही आपका स्मॉलर होता जाएगा, ठीक है। जब हम राइट साइड में बढ़ेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी इंक्रीज होगी, और जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो डिक्रीज होगी। देखिए सेवन के लेफ्ट साइड में, अगर हम सेवन ले तो सेवन के लेफ्ट साइड में सिक्स, वो डिक्रीज है ना, कम है, और सेवन के राइट साइड में एट इंक्रीज है, यानी कि ये ज़्यादा है। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू ले और उसके हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कम होगा और राइट साइड में जाएंगे तो बढ़ेगा। अगर हम ये क्वेश्चन फोर देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन फोर है आपका ए, इसमें हमें बताना है कि विच इज़ लार्जर। अब ये देखिए माइनस थ्री है, ठीक है, और माइनस फोर। अब ये देखते हैं माइनस थ्री आपका लार्जर है या माइनस फोर। माइनस थ्री के साइड में है, राइट साइड में है माइनस फोर के, यानी कि माइनस फोर थ्री माइनस थ्री के लेफ्ट साइड में है, तो लार्जर क्या होता है, माइनस थ्री, यानी कि राइट साइड वाला। तो ये हो गया हमारा आंसर, लार्जर क्या है, माइनस थ्री। इस तरह से अगर आप नंबर लाइन अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि जो है किसकी वैल्यू किससे पहले है या किसके बाद है, तो आप जो है इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमें नंबर लाइन एकदम हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए बी हमारा क्या है, बी आपका माइनस फाइव और माइनस टेन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसमें कौन सा लार्जर है। देखिए माइनस फाइव तो यहाँ है, माइनस टेन आपके लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी कि ये राइट साइड में क्या है, माइनस फाइव, जो राइट साइड में है वही है आपका लार्जर, ठीक है। अब इस तरह से आपको नंबर लाइन ध्यान रख करके क्वेश्चन नंबर फोर का काम कंप्लीट करना है। देखिए इसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी भी डिजिट हैं, जैसे कि आपकी हैं जी, देखिए जी का मैं करके दिखा देती हूँ, ठीक, माइनस 472 और माइनस 876, इसमें लार्जर क्या है। लार्जर आपका पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा आपका 472। अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो पहले 472 आएगा, फिर माइनस 876 आएगा। माइनस 472 पहले आ रहा है, यानी कि इसके माइनस 876 के राइट साइड में आएंगे, तो जो राइट साइड में होता है वो आपका लार्जर होता है, ठीक है। तो ये माइनस 472 लार्जर है आपका। इस तरह से आपकी कोई भी आप जो डिजिट होगी आपकी, कोई भी आपके नंबर्स होंगे, वो आप उसको यही देख लेंगे कि जो है कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट में है, ठीक है। इस तरह से आपके और भी क्वेश्चन हैं, एच है, आई है, ये सारे भी बहुत आपके क्वेश्चन हैं, सारे आपको अपनी नोटबुक पे से करना है और खुद से करना है, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन फाइव है, बच्चों जब मैथ्स जो होता है, जब अपने आप से करते हैं अपना दिमाग लगा के, तभी ये आपका जो होता है आता है, प्रैक्टिस में आता है। अगर सिर्फ नोट करते हुए उतार लिया जाए तो इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी
जो है बढ़ नहीं पाएंगी। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन करती हूँ, कुछ क्वेश्चन नहीं करती हूँ, क्योंकि इसे आपको करने का मतलब ढंग है इसे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5th है, स्मॉलर। ठीक, स्मॉलर कौन होगा? जो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए है आपका -13 और 16। ठीक है, -13 और -16। अब ये देखिए आपका स्मॉलर पूछ रहा, स्मॉलर तो ये आपको लेफ्ट साइड में देखना है कि लेफ्ट साइड में कौन है, -13 और -16। अब ये देखिए पहले -13 आएगा, बाद में -16 आएगा ना, क्योंकि देखिए ये 1 2 ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो पहले -13 आएगा फिर -16 आएगा, तो ये आपका जो है -16 लेफ्ट साइड में जाएगा -13 के, तो -16 आपका स्मॉलर हो गया ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको ऐसे ही करना है। अब देखिए ये बहुत बड़ी डिजिट है, उसको आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में कौन सा है, ये है आपका जी। जी है आपका -147523। इसे क्या पढ़ेंगे? 1,47,523 ये है, लेकिन ये क्या है? -1,47,523 और पहले आएगा और लेफ्ट साइड में इसके ये रहेगा, यानी कि ये बहुत जाके आगे बढ़ जाएगा पीछे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? स्मॉलर है, तो स्मॉलर यही है आपका। जितनी लंबी डिजिट, जितनी बड़ी डिजिट होगी और नेगेटिव साइड लगा तो वो स्मॉलर होगा। ठीक है, जैसे कि आपकी 60 ज़्यादा है और निगेटिव है तो ये आपका स्मॉलर हो गया, 13 आपका कम है तो ये आपका लार्जर हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसका अपोजिट हो गया। अगर ये हम माइनस प्लस होता तो ये लार्जर होता, माइनस लगा दिया है निगेटिव है तो वो आपका क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलर का लार्जर, लार्जर का स्मॉलर। अगर ये साइन अलग हो जाए तो इसका अपोजिट हो जाएगा वो। जैसे कि आपकी डिजिट, अगर ये माइनस डिजिट ना होती तो ये डिजिट आपकी जो ये जो नंबर है आपका वो लार्जर होता, लेकिन यहाँ माइनस लग गया तो ये स्मॉलर हो गया। ठीक है, ये आपका अपोजिट ही हम बता रहे हैं ना, स्मॉलर और लार्जर में क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है? वही अपोजिट होता है। अगर यहाँ प्लस साइन होता तो ये इंक्रीज हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है, यहाँ माइनस साइन है यानी निगेटिव है तो ये स्मॉलर हो गया। तो कोई भी नंबर आपको देखिए, अगर वो नंबर बड़ा है आप मतलब लार्जर है लेकिन इसमें माइनस का साइन लगा है तो वो स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना। इस तरह से कोई भी आप नंबर देखिए, इसमें आपका साइन देखिए, इसके नंबर्स देखिए, फिर उसको स्मॉलर या लार्जर कर दीजिए। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको नंबर लाइन बनाना है। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये नंबर लाइन बनी है वैसे नंबर लाइन बनानी है और आपको मार्क करना है। ठीक है, जैसे ये 6 है, मैंने ऐसे नंबर लाइन बना ली और यहाँ -10 है। अब देखिए -10 है तो -6 ये -7 -8 -9। अब ये जो है आप चाहे तो ये सारा इतना जो है 8 -9 -10। ठीक है, और ये आपका 1 हो गया। तो आपने मार्क करना है तो ये मार्क कर दीजिए, -10 मार्क हो गया। ठीक है, मार्क ऑन द नंबर लाइन, तो इस तरह से आपने मार्क किया -10। और फिर ये -2 यहाँ पे बी डाल करके आप ये नंबर लाइन खींचिएगा, -2 मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, फिर 2 है, ये है आपका। ठीक है,
इसको आप मार्क कर लीजिएगा। लेकिन सब ना सारे क्वेश्चन जैसे ए की अलग लाइन खींचेगी, बी की अलग लाइन खींचेगी, सी की अलग लाइन खींचेगी, सबकी लाइन खींचेंगे और सबका आपका मार्क्स आप करेंगी, ठीक है। जैसे ये 14 है तो ये 10 तक है, तो आप जो है 6F का मैं खींच के बता दे रही हूँ, एक नंबर लाइन हम खींचेंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो आपका है ज़ीरो मान लीजिए, ये आपका जो आपका ये -1 ये -2, ये हमें माइनस की वैल्यू नहीं चाहिए ज़्यादा, हमको क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव वाला हम ज़्यादा लिख लेंगे। ट्वेल्व 13 और 14 तो ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है। हमें नंबर लाइन बनानी है क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सी हमें लाइन, अब जैसे ये 10 था तो हमें ये इतनी वैल्यू दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें 0 यहीं से लिख के इधर की तरफ बढ़ा लेते तो आपका हो जाता। तो सबकी नंबर लाइन आप बनाएंगे और सबको मार्क करेंगे। राइट द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें इंटीजर्स को लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। हमें इंटीजर्स को लिखना है उसके बीच वाले, जैसे 0 और 15, 0 और 15 के बीच में क्या आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, 0 के बीच में 1, और क्या आएगा 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 0 और 15 के बीच में ये है, बिटवीन 0 और 15, ठीक है। राइट द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन नंबर 0 और 15, इस तरह से आपको बनाना है। ये माइनस की वैल्यू है ई, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए कि कैसे होगा ये। कुछ तो बहुत इजी होता है, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट वाला मैं बता दे रही हूँ, इजी वाला आप लोग खुद से करिएगा, ओके। देखिए 7 है ये क्वेश्चन नंबर, 7 का ई हमें नंबर्स लिखने हैं, यानी कि इंटीजर्स लिखने हैं, 241 एंड 200 -246, यानी कि बिटवीन -241 एंड -246, तो ये क्या होगा इनके बीच में ही होगा, तो ये तो वैल्यू नहीं लिखी है। अब ये देखिए ध्यान दीजिए, ये -241 और ये -246, ये वैल्यू जो है आपकी पहले कौन सी वैल्यू आएगी, मीन्स कौन सी बड़ी है जी, कौन लार्जर वैल्यू है और कौन से स्मॉल है। लार्जर वैल्यू जो आपकी वैल्यू ये डिजिट में जो आपकी नंबर्स में कम होती है, 241 कम है 246 है, तो ये क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये हमारी लार्जर हो जाएगी, तो लार्जर वाली हम पहले नहीं लिखेंगे, हम पहले स्मॉलर वाली लिखते हैं 246, ठीक है। 46 हमारी क्या है स्मॉलर, ठीक है, तो ये हमें नहीं लिखना है, ये हमें 46 नहीं लिखना है क्योंकि इसके बीच क्या लिखना है, तो ये वाली वैल्यू नहीं लिखना है। अब इससे बड़ा कौन सा है, 246 से 200 -245 ये आपका लार्जर है, तो ये वैल्यू लिखेंगे, फिर -244 ये वैल्यू है, ठीक है, इसके बाद है ना, ये बड़ी है ना, फिर -243, ठीक, फिर ये -242, अब क्या आएगा -241, ये नहीं लिखना है क्योंकि इसके बीच का ही लिखना है, तो इनके बीच का क्या है -245 -244
-243 या -242, या पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -242 पहले लिखेंगे, -243, -244 एंड -245। अब ये आपका बताइए ये असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग है, ये बताइए। ये आपका सबसे पहले वैल्यू आपकी ये स्मॉलर है, ठीक है, ये इससे ज़्यादा बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि ये हमारी वैल्यू कम होती जा रही है। ये एकदम ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें जो वैल्यू क्या है, आपको देख के लग रहा है 242 ये ज़्यादा है, इससे ज़्यादा 243 ये नहीं, आपने निगेटिव मार्क किया ना, तो ये अपोजिट हो जाएगा उसका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए आपका इस तरह से आपका क्वेश्चन, आपके मैंने एक दो क्वेश्चन इसके बता दिए हैं सॉल्व करके, इसको आपको पूरा करना है। अब एट, क्वेश्चन नंबर एट, सारी एक्सरसाइज करनी है, सारे कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, इसके लिए हमने सारे क्वेश्चन का एक एक दो दो बता दिया है, उसको आपको करना है बाकी। ए देखिए, इसमें आपको सिंबल लगाना है ग्रेटर का, ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन का। अब ये 10 है, अब इसको आप नंबर लाइन आकर आपके दिमाग में होगा एकदम अच्छी तरीके से, तो ये आप कर लेंगे। अब हमें देखना है कि जो राइट साइड में होगा वो आपका ग्रेटर होगा, ठीक है, तो ग्रेटर क्या होगा राइट साइड वाला, माइनस 14 लेफ्ट में होगा या 10 होगा, माइनस 14 लेफ्ट में होगा और 10 राइट साइड में होगा, तो यानी कि यही आपका बड़ा है, ठीक है ना, ग्रेटर है, ये साइन लग गई आपके, ठीक है। अभी देखिए आपका -99, ये चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है, क्योंकि ये प्लस माइनस की जो गलती होती है वो बहुत लोग करते हैं, ठीक है, और ये जो है आगे जाके कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है आगे की क्लास में। अब ये -99 है, लेफ्ट साइड में आपके कौन सा होगा या राइट साइड में कौन सा होगा, राइट साइड में -99 होगा। अब देखिए इसमें माइनस का साइन है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब ये 99 है, 120 है, ठीक है, 120 आपका देख के बड़ा लग रहा है लेकिन माइनस का साइन है, तो ये आपका लेस वो हो गया, आपका स्मॉलर हो गया और ये आपका ग्रेटर हो गया, ठीक है। ये 99 आपका छोटा है, 120 बड़ा है, लेकिन इसमें निगेटिव है, तो -99 आपका बड़ा हो जाएगा, -120 आपका छोटा हो जाएगा। एकदम इसे ध्यान से करिए कि आपका साइन लगा हुआ है, अब देखिए इसमें आपका साइन माइनस लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा है, ठीक है, ये माइनस साइन है तो इसलिए ये छोटा है, ये प्लस साइन है तो ये बड़ा है, ठीक है। जितने प्लस साइन वाले होते हैं वो माइनस साइन वाले से बड़े होते हैं, ठीक है, और माइनस साइन और माइनस साइन है तो ये देखिए जो जिसका वो देख के आपको बड़ा लगता है, माइनस साइन की वजह से ये छोटा हो जाता है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एट। इतना ही क्वेश्चन करिए इस वाले, इसमें क्वेश्चन नंबर एट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फिर इसके बाद से हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।